टेक्निकल एनालिसिस सीखने की शुरुआत में बिगिनर ट्रेडर्स चार्ट एनालिसिस सीखने के बाद जब प्रैक्टिस करने के लिए रियल ट्रेड करने लगते हैं, तब ये ट्रेडर्स एनालिसिस करके एंट्री करने के बाद ठीक से डिसाइड नहीं कर पाते कि प्रॉफिट होने पर प्रॉफिट बुक कहाँ करे और एनालिसिस गलत होने पर एग्जिट कहाँ करे। ये ट्रेडर्स प्रॉफिट जब होता है ज्यादातर टाइम या तो बहुत पहले प्रॉफिट बुक कर लेते हैं और बड़े प्रॉफिट को कैप्चर नहीं कर पाते, या फिर कोई कोई ट्रेड में और भी प्रॉफिट होगा इस उम्मीद से सही जगह प्रॉफिट बुक नहीं कर पाते और प्रॉफिट वाला ट्रेड भी लॉस में कन्वर्ट हो जाते हैं। एंड सेकेंड, उनका एनालिसिस गलत होने पर प्राइस उनका एंट्री लेवल से ऑपोजिट डायरेक्शन में भागते हुए देख के भी उनके पास लॉस बुक करने का कोई ट्रेडिंग प्लान नहीं होता है और गलत जाने पर एक ही ट्रेड में अपने ट्रेडिंग कैपिटल का हेवी अमाउंट लॉस करके बैठता है। तो ये सब प्रॉब्लम्स को एक बिगिनर कैसे हैंडल करके एनालिसिस सही होने पर अच्छा प्रॉफिट कर सके और एनालिसिस गलत होने पर अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करके सही जगह एग्जिट कर सके, उसी का एक बेसिक मेथड इस वीडियो में आपको सिखाया जाएगा। और ये मेथड एक बिगिनर लेवल ट्रेडर को जो मार्केट में नया नया ट्रेड करना शुरू किया है उनके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। तो वीडियो का एक भी पॉइंट मिस मत करना। कोई भी ट्रेड में एंट्री लेने के बाद आपके पास दो क्वेश्चंस का आंसर होना ही चाहिए। फर्स्ट, अगर मेरा एनालिसिस सही जाए मतलब प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट बुक कहाँ करना है। एंड सेकेंड, अगर मेरा एनालिसिस गलत हो जाए मतलब लॉस होने लग जाए तो एग्जिट कहाँ करना है। कोई भी ट्रेड लेने के बाद अगर ये दो क्वेश्चन का आंसर आपके पास नहीं है तो आप कभी भी एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन ही नहीं पाओगे। तो चलिए हम ये दो क्वेश्चन का आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं। कोई भी ट्रेड लेने के बाद इनिशियल एक स्टॉप लॉस आपको सेट करना है, मतलब आपके एनालिसिस से उल्टा अगर प्राइस जाने लगे तो आपको उस पॉइंट पे ट्रेड से निकल जाना होगा। और ये स्टॉप लॉस सेट करने के लिए कोई फिक्स्ड रूल्स नहीं है, हर एक ट्रेड में प्राइस एक्शन के हिसाब से आपको स्टॉप लॉस सेट करना है, लेकिन कुछ क्राइटेरिया है जिसको देख के आपको स्टॉप लॉस लगाना है। जैसे अपसाइड ट्रेड के लिए जहां पर बाइंग सिग्नल जनरेट हुआ है उसके पहले बायर्स किस प्राइस एरिया में ज्यादा एग्रेसिव हुआ था उस एरिया को आइडेंटिफाई करना है और स्टॉप लॉस उस एरिया के नीचे होना चाहिए। डाउनसाइड के लिए सेलर्स जहां से प्राइस को एग्रेसिवली नीचे खींचना शुरू किया है स्टॉप लॉस उस एरिया से ऊपर होना चाहिए। अपसाइड के लिए बाय प्राइस के नीचे कोई स्विंग पॉइंट लो और सपोर्ट एरिया है क्या देखना होगा, अगर है तो स्टॉप लॉस उस एरिया के नीचे होना चाहिए। एंड डाउनसाइड के लिए सेलिंग प्राइस के ऊपर कोई स्विंग पॉइंट हाई और रेजिस्टेंस एरिया है क्या देखना होगा, अगर है तो स्टॉप लॉस उस एरिया के ऊपर होना चाहिए। और आपका एंट्री एंड स्टॉप लॉस के बीच कितना पॉइंट का डिफरेंस है उस हिसाब से आप कितना क्वांटिटी शेयर ट्रेड करोगे उसका कैलकुलेशन करना है। जैसे मान लेते हैं आप बाय कर रहे हो 100 प्राइस पॉइंट पर और सभी क्राइटेरिया को देख के आपका स्टॉप लॉस हो रहा है 95, तो इसका डिफरेंस है 5 पॉइंट का। और आपके पास मान लेते हैं टोटल ट्रेडिंग कैपिटल है 1 लाख रुपीज और एक ट्रेड में एज ए बिगिनर्स आपको अपना टोटल कैपिटल का 2% से ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए। तो 1 लाख का 2% है 2000 रुपीज। अब ये 2000 को 5 से डिवाइड करना है तो हो रहा है 400। तो यहाँ पे आपको 400 शेयर्स बाय करना है। अगर आप इस ट्रेड में गलत भी हो जाते हो तो आपका टोटल कैपिटल का 2% ही आप लॉस करोगे। यहाँ ब्रोकरेज एंड और भी जो चार्जेस लगता है वो सब मैं इंक्लूड नहीं किया, वो सब इंक्लूड करके आपको क्वांटिटी और थोड़ा कम करना होगा। तो अभी आप जान चुके हो प्राइस अगर आपके एनालिसिस से उल्टा चला जाते हैं तो आपको एग्जिट कर लेना है। ये तो गया प्राइस का एग्जिट, लेकिन एक टाइम का एग्जिट भी आपके ट्रेडिंग में रखना होगा। जैसे इस कैंडल में आपने बाय किया है और उसके बाद प्राइस एक के बाद एक कैंडल इसी प्राइस एरिया में बांधते हुए जा रहा है, यहाँ ना आपको प्रॉफिट हो रहा है और ना ही स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, तो इसके लिए भी आपके पास एक टाइम का स्टॉप लॉस होना चाहिए कि कितना कैंडल मुझे इस ट्रेड को देखना है। देखिए, अगर आप किसी एम्प्लॉय को काम में रख रहे हो और वो लगातार आपके हिसाब से काम नहीं कर रहा है और खुद काम से निकल भी नहीं रहा है तो कुछ दिन बाद आप खुद ही उसे निकाल दोगे। और इसी तरह जब शेयर्स भी आपके हिसाब से काम नहीं करता है तो एक टाइम पे आपको खुद उस ट्रेड से निकल जाना होता है, क्योंकि उसमें आपका पैसा फंसा हुआ रहता है। उस ट्रेड से निकल के आपको किसी और ट्रेड में अपॉर्चुनिटी ढूंढना होता है। इसी तरह आपको अपना ट्रेडिंग कैपिटल को सही से यूज करना होगा। तो मेरे हिसाब से ट्रेडिंग के लिए आपको 10 से 12 कैंडल तक वेट करना है। अगर इसके अंदर भी आपका प्रॉफिट नहीं होता है और स्टॉप लॉस भी हिट नहीं होता है तो भी आपका एनालिसिस गलत हो चुका है और आप करंट प्राइस पर एग्जिट कर जाओगे। और एक पॉइंट आप यहाँ पे नोट कर लीजिए कि आपका कैंडल टाइम फ्रेम कुछ भी हो सकता है,
आपको वेट करना है 10 से बड़ा कैंडल, चाहे वो इंट्राडे के अंदर 5 मिनट एंड 15 मिनट चार्ट हो और चाहे स्विंग ट्रेडिंग के लिए 1 डे टाइम फ्रेम का चार्ट हो। अभी नेक्स्ट देखते हैं प्रॉफिट होने पर कहाँ एग्जिट करें। तो फर्स्ट आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज हमेशा करना है, और ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को यूज करने का बहुत सारे मेथड है, लेकिन मैं जिस मेथड को ज्यादा प्रीफर करता हूँ ट्रेलिंग स्टॉप यूज करने के लिए, उस मेथड को इस वीडियो में मैं डिटेल से समझाया। अगर आप इस वीडियो को नहीं देखे हो, ये वीडियो खत्म होने के बाद उसको जरूर एक बार देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सेकेंड, आपका एंट्री पॉइंट से ऊपर अगर कोई सपोर्ट एरिया या स्विंग पॉइंट है और उस एरिया में आके प्राइस रिवर्स का अगर कोई प्राइस एक्शन बना रहा है तो आप वहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेना। थर्ड, अगर आप कोई स्टॉक में अप ट्रेंड की शुरुआत में ही एंट्री ले रहे हो तो उस स्टॉक में आपको कोई टारगेट नहीं रखना है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का हेल्प से जितना दूर प्राइस जाता है उसके साथ साथ जाते रहना है, जब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट होगा तब निकल जाना। एंड फोर्थ, अगर आप रेंज मार्केट में पोजिशन बना रहे हो तो रेजिस्टेंस और सपोर्ट में प्रॉफिट बुक कर लेना। एंड फिफ्थ, अगर ट्रेंड के दौरान कोई पोजिशन बना रहे हो और प्राइस सभी सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ब्रेक करके जा रहा है तो आपको चार्ट के ऊपर 10 पीरियड मूविंग एवरेज प्लॉट कर लेना है, और प्राइस जब 10 पीरियड मूविंग एवरेज से काफी दूर चला जाता है और वहां कोई रिवर्सल का प्राइस एक्शन बनाना शुरू करता है तो उसी प्राइस एरिया में आपको प्रॉफिट बुक कर लेना है। तो पोजीशन बनाने के बाद ट्रेडिंग के अंदर जो जो चीज को आपको जानना चाहिए वो सभी मैं आपको बता दिया। देखिए, ट्रेडिंग में कोई भी परफेक्ट एग्जिट स्ट्रेटजी नहीं होता है, कभी कभार आप बहुत जल्दी एग्जिट कर जाओगे और कभी कभार आप बहुत लेट एग्जिट करोगे, लेकिन घबराने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए आपको कोई परफेक्ट एग्जिट स्ट्रेटजी नहीं चाहिए। आपको सिर्फ गलत जाने पर सही टाइम कैपिटल को प्रोटेक्ट करना है और सही होने पर प्रॉफिट बुक करना है। तो इस वीडियो को मैं समाप्त करने से पहले आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर ये वीडियो में दिया हुआ जानकारी आपको अच्छा लगा तो वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर करना। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कोई कंसेप्ट के साथ।